भी यूपी फाइल, ये जो फिल्म है, ये फिल्म उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज को खत्म करने वाला ये फिल्म है। और मतलब ये जो फिल्म है, ये फिल्म कुलदीप उमराव सिंह ओसवाल जी ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, नीरज शाह इसके डायरेक्टर है, और प्रमुख अभिनेता मनोज जोशी जी है जिन्होंने बहुत अच्छा रोल इसमें किया है, और मंजरी फडनी से मिलिंद गुणा जी है, ऐसे कई लोगों ने मतलब इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था कि जहाँ गुंडा राज बहुत ही आगे बढ़ रहा था, और उस गुंडा राज को खत्म करने के लिए मतलब वहाँ जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बुलडोजर चलाकर वहाँ का जो गुंडा वालों को सबक सिखाने का काम किया था, वो मतलब योगी आदित्यनाथ जी तो मतलब वो मतलब राजनीति में आए, और मतलब उन्होंने जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे तब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। गरीब लोगों को न्याय देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, पुलिस ऑफिसरों से बहुत बार उनका विवाद भी हुआ था, लेकिन वो लोगों के लिए काम करते थे, और इसीलिए 1998 में चुनकर आए, 99 में चुनकर आए, 2004 में चुनकर आए, 2009 में चुनकर आए, और बाद में उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो मतलब उसका जो पूरा उनका स्टोरी है, उनका जो जीवन चरित्र है, इस फिल्म में मतलब दिखाया है। और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश एक नया प्रदेश बनाने का काम, एक अच्छा प्रदेश बनाने का काम मतलब उन्होंने किया। और इस फिल्म में मतलब खास बात ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, इस संविधान के मुताबिक हर एक को चलना ही पड़ेगा। जिसको इस देश में रहना है उसको संविधान को मानना ही होगा। अगर कोई लोग संविधान को नहीं मानेंगे तो वे बात अच्छी नहीं है। इसी तरह की भूमिका भी यहाँ रखी गई है, और यहाँ मतलब हमारे मनोज जोशी जी है वो एक बहुत अच्छे कलाकार है, और ये उन्होंने बहुत अच्छा रोल इसमें किया है। तो इस फिल्म के लिए मैं सभी कलाकारों को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और किसी भी राज्य में गुंडा राज होगा तो गुंडा राज को कैसे खत्म करना है ये मतलब हमारे मनोज जोशी जी सीखो, ये हम बताना चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, और यूपी जो फाइल है ये मतलब यूपी का जो सत्य चित्र है वो इसमें आया है, ये बहुत अच्छी फिल्म है। सर एक डेफिनेटली इस फिल्म में जो एक संवाद है बाबा साहब अम्बेडकर के, संविधान की कदर न एक इंच इधर न एक इंच उधर, ये बड़ा अद्भुत संवाद लिखा हुआ है इस फिल्म में जी। और संविधान को लेकर जिस प्रकार से सीएम साहब एक सुचारू पद्धति से किस प्रकार से शासन और प्रशासन दोनों को पैरेलल लाके किस प्रकार से प्रदेश को अच्छा बनाने का ज़बरदस्त प्रयत्न करते हैं और अच्छा बनाने की रास्ते पर चल पड़ता है वो प्रदेश, ये इस फिल्म में बताया गया है। तो फिल्म देखें, मैं फिल्म के बारे में मैं ही बोलूं तो लोग फिल्म देखें, लेकिन मैं डेफिनेटली इस फिल्म बनाने वाले ओसवाल फिल्म्स और प्रोड्यूसर ओसवाल जी, हमारे कुलदीप जी, हमारे डायरेक्टर नीरज जी, नीरज सहाय जी, इन सबको अभिनंदन देता हूं। और पूरी टीम इसमें जो काम करने वाले कलाकार हैं वो भी मंजे हुए कलाकार हैं, सारे इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, और मंजरी फडणवीस ने बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। बाकी अली असगर हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, मिलिंद गुणा जी हैं, अनिल जॉर्ज हैं, जॉर्ज जी हैं, और अशोक समर्थ हैं, बहुत समर्थ है, एक्टर है, बहुत अच्छा रोल निभाया है उन्होंने। और हमारे ये भी हैं शाहबाज जी, शाहबाज खान जी भी हैं, सबकी फोटो लगी हुई है आप देख सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है, आप सब लोगों को अच्छी लगेगी निश्चित रूप से। तो ये फाइल जो है यूपी की वो निश्चित रूप से आपको अच्छी लगेगी। 26 तारीख को आप थिएटर में जाकर ये इस फिल्म को देखना कि ये फिल्म आपको अच्छी ही लगेगी, और फैमिली के साथ देखना। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सवाल,
एज अ लीड आपकी पहली फिल्म है, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने जाना कि इतने सालों से आप करते आए, तो कैरेक्टर बहुत ईजी होता है आपको करना, और इसमें बहुत सारा चीज है जो आप जो अमूमन स्टेज पे करते हैं उससे मैच हो रहा था जो हमने देखा। तो नहीं, ऐसा है कि एक इस एक प्रदेश जो गुंडा तत्वों से और माफियाओं से भरा हुआ है, प्रशासन चरमरा गया है, ऐसी परिस्थिति में जब एक सीएम प्रदेश को जब चलाने के लिए आते हैं, चुन कर आते हैं और बहुमत से आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं संविधान की ताकत के साथ, और किस प्रकार से प्रशासन पर अपना जबरदस्त अंकुश लगाते हैं कि किसी भी प्रकार की इधर उधर की बात नहीं, स्ट्रेट बात, और किस प्रकार से गुंडागर्दी को नष्ट किया। ऐसा जब एक रोल एक अभिनेता के पास आता है तो निश्चित रूप से एक फायर ब्रांड रोल है और फायर ब्रांड कथा है इसकी, तो करने में बहुत आनंद आया। और फिल्म में, किसी भी फिल्म में जब मुख्य कलाकार मतलब मुख्य किरदार एक कलाकार को मिलता है, तो उससे बहुत आनंद की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अपने कंधे पे फिल्म है और बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाई गई है, और मैं चाहता हूँ कि हर प्रदेश ये फिल्म देखे, न केवल यूपी के, लेकिन क्योंकि यूपी एक ऐसा प्रदेश है जो आज विकास की जो गति है उस प्रदेश की, वो ज़बरदस्त तरीके से पिछले 9-10 वर्षों में हम देख रहे हैं किस प्रकार से उसकी गति बढ़ रही है। तो कुछ इंसिडेंट्स भी आपको मिलेंगे कि जो आपने रियल लाइफ में सुने होंगे, देखे होंगे। ऑफकोर्स फिल्म बनाते वक्त हमको कथा का भी सहारा लेना पड़ता है, बट रियल लाइफ इंसिडेंट्स कुछ होते हैं वो इंस्पायर करते हैं जी। कुछ कैरेक्टर इंस्पायर करते हैं, तो इंस्पिरेशन होकर ये फिल्म अच्छे तरीके से बांधी है, और हमारे जो लेखक थे वो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने बहुत अच्छे संवाद लिखे हैं जी। बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, और सेल्विन जी वो नहीं रहे हमारे बीच में जी, बट मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनका ये इतनी बड़ी पैमाने पे पहली फिल्म थी, और सारे कलाकारों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, डायरेक्टर ने अच्छे तरीके से डायरेक्ट की है, और मुझे इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने को मिली है, उस मैं उसको शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता, ये वर्णातीत है। और मैं प्रोड्यूसर साहब का, ओसवाल फिल्म्स का, ओसवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये रोल मुझे दिया, नीरज जी का आभारी हूँ और सारी टीम का आभारी। सर देखिए, जो हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से इंस्पायर होके ये फिल्म बनाई, उनकी जीवनी नहीं है, उनके जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो प्रदेश में जो स्थापित किया है, वो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये एक्चुअली में सीखना चाहिए। हमने इसीलिए ये एक मैसेज बहुत बड़ा है जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, नए किंच इधर और नए किंच उधर, वो जो उन्होंने हमारे ये पूरे फिल्म का जो ये मेन मूल मंत्र है, जो संविधान की बात की है जो, और ये देश जो है संविधान से ही चलेगा, और ये बहुत अच्छी शिक्षा दी है उन्होंने, और हमारी फिल्म में यही लॉ एंड ऑर्डर है जो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के सीएम से सीखना चाहिए। सर, एज अ प्रोड्यूसर, जब ये सब्जेक्ट आपको सुनाया गया था, तो आप आपका क्या रिएक्शन था, और ये फिल्म कैसी लग रही है, और अभी लोगों के जो सपोर्ट मिल रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, ट्रेलर बहुत पसंद आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले यूपी जब देखते थे तो बहुत डर लगता था कि यूपी में कोई जा रहा है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। तो जब से फिर, इसलिए हमने इंस्पायर होके ये पिक्चर बनाई थी, और अब थोड़े रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी 26 तारीख को उसका आउटकम रिजल्ट आएगा, भगवान की दया से अच्छा आना चाहिए, बाकी सब तो बढ़िया। लेकिन जब सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, और अभी अठावले जी ने, आपने भी देखा उनका रिएक्शन, उनको डायलॉग भी याद हो गए, और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत पसंद किया सब्जेक्ट। सही बात। तो अभी इस तरह क्या आगे की क्या रणनीति है, अभी जो 10 दिन बचे हैं रिलीज, और उसके 5 दिन 3 दिन आगे के, हाँ। तो आगे अब हम लोग क्या नया करने वाले, और भी पॉलिटिशियंस को फिल्म दिखा रहे हैं, या फिर हम क्या करने वाले? नहीं, हमारा एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, और बाकी तो पिक्चर दिखाएंगे, और बाकी तो प्रीमियर में मालूम पड़ेगा इसका क्या है, प्रीमियर होएगा तो जल्दी। ठीक है नीरज जी, इसमें इतने बड़ी लंबी चौड़ी कास्ट है, अंजलि फडणवीस है, अनिल जॉर्ज है, मिलिंद गुनाजी, शाहबाज खान, अली असगर, अशोक सामर्थ, अवतार गिल, बहुत सारी कास्ट है,
तो इतने लोगों को कास्ट करने में वक्त लगा कि आप तुरंत कर पाए, क्योंकि आप तो बहुत उमेश जी के साथ आपने बहुत काम किया, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। पहले क्या है, रामदास अठौले जी आए हमारी फिल्म देखी, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी फिल्म को, उन्होंने देखा, उनके उनको फिल्म बहुत पसंद आई, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के बारे में बोला। तो हाँ ये तो है कि मतलब रियलिस्टिक कहानी थी, काफ़ी कुछ कैरेक्टर सब जो वहाँ के कैरेक्टर्स से मिलते जुलते थे, तो हमको ऐसे ही कैरेक्टर चाहिए था, उसी हिसाब से कास्टिंग करनी थी, तो हमको थोड़ी तो मेहनत लगी कि उनसे मैच होना चाहिए कुछ। और जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से कैरेक्टर से हमारे कौन से कैरेक्टर मिलते हैं, अब बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग पिक्चर देखेंगे तो आपको सारा पता लगेगा। और उसके बाद जो पुराने उत्तर प्रदेश को जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के कैसा सुधारा है और कैसा आज उत्तर प्रदेश को एकदम राम राज्य बना दिया और इतनी उन्नति इतनी तरक्की पे ले गए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सारे देशवासियों से और सारे स्टेट के देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि ये पिक्चर ज़रूर देखिए, और हर CM से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए और अपने अपने राज्य में ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर को और व्यवस्था को स्थापित कीजिए और राम राज बनाइए और अपनी प्रजा को सुखी रखिए। सर केंद्रीय मंत्री आना और मूवी देखना कैसा लगा आपको? बहुत 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 देखिए उनका आशीर्वाद, मैंने बोला बहुत उनको भी समझ में आया, आए उन्होंने देखा, उन्होंने कि हमारी फिल्म में जो है हमने बाबा साहब अम्बेडकर को कितना ऊपर रखा है, क्योंकि हमने सिर्फ संविधान की बात है कि इस देश में क्या है, सबसे बड़ा हमारा पहले देश है, धर्म बाद में आता है, तो सब जो आदमी हमारा जो है भारतीय है तो सबसे पहले वो भारत के लिए गर्व स्थापित करेगा, अपने को गर्वान्वित महसूस करेगा, ना कि पहले धर्म है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि अपने अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग दीजिए, अपने मुख्यमंत्री का सहयोग दीजिए और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलिए और अपने पर्सनल चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े मत कीजिए सार्वजनिक। और हमारे ये अठौले साहब ने आए, उनको ये फील हुआ कि हमने इसमें बाबा साहब को अम्बेडकर को बहुत ऊंचाई पर रखा है और उन्हीं के ही आधार पे देश का कानून और प्रदेश का कानून चलना चाहिए। थैंक यू। बस यही कहना चाहेंगे कि जब रिलीज हो रही है 26 तारीख को तो प्लीज़ जाके देखो, एंड एक CM के ऊपर मूवी है। हाँ, मेरा नाम जसलीन है, एज एन एक्टर हूँ मैं, एंड डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट बोल लो, एक्टर बोल लो, पिछले 10-12 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड बस सर ने एज प्रीमियर के लिए बुलाया दिखने के लिए, साथ में रामदास उठावले सर भी थे, उनके साथ भी मिलने का मौका मिला, एंड कुछ कुछ पार्ट्स अभी देखे हैं हमने तो बहुत प्यारी लगी है, लाइक सबको जाके देखनी चाहिए, एक मैसेज मिलता है कि एक संविधान के साथ कैसे लाइक हमको आगे जाना चाहिए, कैसे उस चीज़ को ग्रोथ से करना चाहिए, तो लाइक प्लीज़ जाके देखो, सारी फैमिली के साथ जाके देखना, एंड बहुत सारा प्यार देना पिक्चर को। थैंक यू।